घर पे लगी हुई है अरविंद त्रिवेदी, उपेंद्र त्रिवेदी जी की नाम शारदा है, काफी बेहद ही खूबसूरत दिख रही है। त्रिवेदी जी का पुराना घर, इस तरीके का गेट है यहाँ पे लगा हुआ है। लास्ट टाइम तुमने कब देखा था? वरस्थी मरी गए। क्या बता रही थी? एक साल पहले देखा। वो रंग भूमि कलाकार थे, जब भी आते थे तो कुछ बात करते थे, एक सिंपल आदमी थे, बहुत सिंपल। सही है, हमारे गांव के ही है। फेस टू फेस देखा है, पूरा गांव जानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम विकास, आप देख रहे हैं विकास और वीकेआर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम पहुंचे गुजरात राज्य के एक छोटे से गाँव, जिस गाँव का नाम देख रहे कुकडिया और वासलोस, पता नहीं क्या लिखा है, गुजराती भाषा है, इतना लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती है। आज दोस्तों दिखाएंगे रामानंद सागर के जो रामायण के अंदर जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था, अरविंद त्रिवेदी जी का घर। ये रास्ता जा रहा है कुकड़िया गांव के लिए और आपको वासलोस पहले पड़ेगा, उसके बाद में पड़ेगा कुकड़िया। वहाँ से यहाँ से लगभग लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप आना चाहते तो अहमदाबाद से अराउंड 150-200 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, इतना मुझे नहीं पता है कितना पड़ा। हम लोग चल ही रहे थे, चलते 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 पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचे। उनके बारे में आपको बता देते हैं, वो एक ऐसे कलाकार थे, ऐसे दिग्गज कलाकार थे कि जब उनकी रामायण में जैसे एंट्री होती थी ना, जो एकदम भारी भरकम आवाज़ के मालिक थे, वो ऐसा बोलते थे ना तगड़ा, तो समझ में नहीं आता था कि सामने वाला जो बंदा है, जैसे मान के चलो उनके जो भाई रहते थे कुंभकर्ण का काफ़ी विशाल शरीर था, तब भी कुंभकर्ण के मुकाबले रावण की आवाज़ ना काफ़ी तगड़ी लगती थी। उन्होंने ऐसे ऐसे किरदार निभाए, उनके ऐसे ऐसे डायलॉग है रामायण के अंदर, कुछ मत पूछो, वो अभिनय ना अजर अमर हो चुका है। तो आपको उस गांव को लेकर चलने वाले उनका घर दिखाएंगे, कैसा आज घर दिखता है, किस हाल में है। और अरविंद त्रिवेदी जी 2021 में उनकी डेथ हो गई थी, तो काफ़ी दुख हुआ पूरे देशवासियों को, एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे अभिनय का अंत हुआ, लेकिन वो कलाकार हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा अंदर, क्योंकि वो एक हृदय में संजोया और समाया हुआ कलाकार है जो रामायण के जरिए से हम लोगों को लुभावित करता रहेगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ में हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसी वीडियो देखने के लिए रामायण से जुड़ी, फिल्म लोकेशन से जुड़ी आपको हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है अरविंद त्रिवेदी जी का घर जिन्होंने रामायण के अंदर रावण का किरदार निभाया था। ये अंकल जी यहाँ पे मुझे मिले हैं, तो सबसे पहले अपना नाम बता दो अंकल जी, आपका क्या नाम? जसवंत सिंह। अच्छा ये बताइए, कभी मुलाकात हुई सर जी से? मैंने ऐसे तो हाँ देखा ही है, हमारे गांव के ही है, फेस टू फेस देखा है। हाँ फेस टू फेस देखा है। अच्छा कभी मतलब मुलाकात हुई? हाँ हुई हुई। अच्छा वो दादा की वाली दिख रही है ना, वो फिल्म बनाया था ना, वो यहीं पे उतारा था ना उनने। अच्छा तो अच्छा। ये उनका पुराना घर है? पुराना घर है वो। अच्छा रामायण के अंदर जब उन्होंने किरदार निभाया था तो आप लोगों ने देखा तो आपको कैसा लगा था? अरे हो अच्छा लगा था। अच्छा लगा? अच्छा अच्छा। यहाँ के कितने लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के रामायण के अंदर जो रावण का किरदार निभाए थे वो यहीं के रहने वाले हैं? पूरा गाँव जानता है, गाँव के ही है तो सब जानेंगे ना। ऐसी कोई कहानी बताइए जो मतलब गाँव में ऐसे कैसे रहते थे नॉर्मल व्यक्ति, जैसे अभी उसमें तो बहुत आक्रामक। नहीं नहीं नॉर्मल आदमी, उनका स्वभाव था किरदार था ना इसलिए उसका रावण का। हाँ। इसमें तो अच्छा नॉर्मल स्वभाव के थे। अच्छा उनके घर में कोई भी यहाँ कोई रहता है उनके घर के आसपास? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी सब बॉम्बे रहते हैं। सब बॉम्बे रहते, मतलब ये नए वाले मकान में भी कोई नहीं और अब ये पुराने वाला जो मकान? नहीं नहीं सब बॉम्बे। प्राण भाई, तीन भाई थे, उपेंद्र त्रिवेदी और उपेंद्र त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी और एक और है। नहीं अंकल को नाम? नहीं नहीं मोटा नाम हुआ तो बालचंद्र का था। बालचंद्र त्रिवेदी? हाँ बालचंद्र त्रिवेदी। वो तीन भाई थे। तो तीनों अंकल जी जो फिल्म लाइन है ना, दो दो दो
फिल्मा में दो उपेंद्र त्रिवेदी जी अरविंद त्रिवेदी दो दो हाँ वो ही भी। अच्छा आंटी एक बात बताइए यहाँ पे मतलब लास्ट टाइम तुमने कब देखा था उनको अरविंद त्रिवेदी जी को? वरस्ती मरी गए थे एक साल पहले। वरस्ती। अच्छा क्या बता रही आंटी? एक साल पहले देखा था। नहीं वो उनको एक साल पहले देखा था ना। अच्छा जब भी वो लॉकडाउन में बीमार हुए थे ना, बीमार तो बॉम्बे बॉम्बे में हुए थे तो वही तो ना वही तुम कर रही हो लॉकडाउन में बीमार थे सब बॉम्बे थे। हाँ लॉकडाउन लगा ना। हाँ उस समय वो बॉम्बे थे हमारा तो था ही ना। क्या बोला मैम आंटी? शोक मग्न थे। शोक मग्न थे। और मेरी समझ से आपका गांव ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में जितने लोग रामायण के मतलब राम भगवान से जितने लोग जुड़े हैं वो सभी लोग दुख में थे कि उस समय की अरविंद त्रिवेदी जी का निधन हुआ था। निधन हुआ था तो सब दुख में थे। अच्छा कैसा लगता है कि मतलब हमारे गांव के हमारे पड़ोस के जो रामायण के अंदर जो रावण का किरदार हाँ मुझे माता जी आपकी आवाज थोड़ी सी समझ में आ रही कि एक अच्छे मानव थे, अच्छे इंसान थे। हाँ, और उनके निधन से सबको दुख है। हाँ, सबको दुख है ऐसा। एक चीज और बताना कि जब रामायण चलती थी जैसे अपने घरों पे आती थी टीवी पे तो देख के कैसा लग रहा था? बिल्कुल उनका तो रोल ही एकदम रावण का था, कितने खतरनाक। हाँ बहुत अच्छा लगता था। उनका फैमिली मेंबर इधर कोई रहते ना उधर उस घर पे रहते हैं कोई? बॉम्बे सब बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे। अच्छा तुम्हारी गुजारिश रहेगी कि इस गांव में रहे आके सब लोग? शिवरात्रि पीछे जो माता जी है जो आंटी जी मुझे मिली उनको प्रॉपर हिंदी नहीं आती है, गुजराती आती थी। तो पीछे अंकल जी ये थे इन्होंने कुछ कुछ मुझे ट्रांसलेट करके बताया कि आंटी जी बता रही थी गुजराती में। जो भाई जो हमारे गुजराती भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ज़रूर समझ में आएगा। अगर कुछ ऐसा समझ में आता है जो आंटी जी का मैं नहीं समझ पाया तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तो माता जी सबसे पहले अपना नाम बताओ। नाम? कृष्णा बा। बताओ आप रोमांच कर आए देखी कैसा लगा रामायण? रामायण सीरियल सारी अच्छी लगी। अच्छी लगी। रामायण का किरदार पसंद आया इनको? कैसा लगता है कि हाँ हम बगल के रहने वाले हमारे यहाँ के रावण रहने वाले थे इनको कैसा लगता है? सीरियल बनाई तो मन क्यों लगा गांव में ये और अरविंद देख रही पापाड़ो इज है नहीं पाड़ो ना ना हारू लगा हारू लगी अच्छा लगा तो पाड़ो से बदिया थी उपेंद्र बिन बदन अच्छी लगा। यहां पे जब मतलब अभी लास्ट टाइम मतलब उनके घर वाले कब आए थे? दिवाली भी दीपावली पे हमना बालचंद्र बिन छोकरा है। हाँ तेरे पपड़ा उपेंद्र बिन आया था? उपेंद्र बिन तो आया था ये बालचंद्र छोकरा है तो उनका बड़ा भाई है ना अरविंद भाई के बालचंद्र भाई उनके शिक्षक में छोकरा आया तो शिक्षक में छोकरा छोकरा हमारे साथ अंकल जी हैं वो बता रहे हैं ट्रांसलेट करके माता जी गुजराती में बोल रही हैं। उनके जस्ट बगल में यही है घर अरविंद त्रिवेदी जी का छोटा सा गेट है कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने के लिए। अरविंद त्रिवेदी जी का घर काफ़ी आलीशान बना हुआ है, पुराना हो गया 1988 का है फिर भी अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बेहद ही खूबसूरत भी पुराना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार मैं जूम करता हूँ शायद आपको दिख जाए 1988 रामानंद सागर की जो रामायण थी वो उसके अंदर अरविंद त्रिवेदी जी ने रावण का किरदार निभाया था। और लेकिन असल ज़िंदगी में ना वो राम भगवान के बहुत भक्त थे लेकिन किरदार एक ऐसा था उन्होंने उस किरदार को इस तरीके से निभाया ना कि लोगों के ना दिल और जहन में बस गया। उनके बारे में आपको बता देते हैं अरविंद त्रिवेदी जी का जो जन्म है ना 8 नवंबर 1938 को हुआ था और उनकी डेथ 2021 में लॉकडाउन में हुई 6 अक्टूबर को। उन्होंने मतलब लगभग 40 वर्षों तक काम किया था गुजराती फिल्मों में और रामायण की भूमिका तो उन्होंने आपको पता ही है कि रावण का किरदार कितना खतरनाक निभाया था। तो यही वो घर है और उनके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। वो राजनीति में भी गए थे भारतीय जनता पार्टी में भी सदस्य के रूप में सावरकांठा से संसद के लिए भी गए तो लोकसभा के लिए चुनाव भी लड़ा था और जीते भी थे। दोस्तों जन्म की अगर बात करें तो जन्म उनका यहाँ पर नहीं हुआ था
ये घर काफ़ी पुराना है, लेकिन जन्म जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार थी तब भारत में, वर्तमान में तब इंदौर में हुआ था दोस्तों, इंदौर में उनका जन्म हुआ था। तो यही घर है अरविंद त्रिवेदी जी का, और यहाँ पे एक बार ही दिखा देते हैं आपको और आगे चल के, कुछ इस तरीके का गेट है यहाँ पे लगा हुआ है, एक ये खिड़की है, एक ये बोर्ड है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है, देखो लिखा हुआ है त्रिवेदी जयसन ग्राहक नंबर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यही है अरविंद त्रिवेदी जी का पुराना घर, यहाँ रहा करते, गुजरात के अंदर रहा करते थे। और यहाँ पे देखो ये चूल्हा जैसा बना हुआ है, वो भी पुराना ही है। एक यहाँ पे जिंगला, काफ़ी पुराना घर हो गया है। और दिखा देते हैं चारों तरफ से दोस्तों, तो पूरा घर यहाँ तक है पीछे तक, और एक बार ही हम पीछे का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये घर, देख रहे हो दोस्तों पूरा घर यहाँ से इस तरीके से पीछे तक का नज़ारा ये है। तो ठीक है घर, काफ़ी बड़ा घर है, अभी यहाँ कोई नहीं रहता है, अगर कोई मिलेगा या घर के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी तो हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये है अरविंद त्रिवेदी जी का पुराना घर, और उनके एक भाई है उपेंद्र त्रिवेदी, और अरविंद त्रिवेदी दोनों लोगों का घर गांव के बाहर बना हुआ एक नया घर है, वो भी हम दिखाएंगे। ये दोस्तों काफ़ी पुराना घर है, उन्होंने गाँव के बाहर एक नया घर बना लिया है, उस घर को भी हम दिखाएंगे। अभी हम चलेंगे नए घर की तरफ। पहले अपना नाम बता दो। दशरथ सिंह सरदार सिंह। पीछे जो घर है उस पे एक बड़ी सी फोटो लगी है, दो बड़ी सी फोटो लगी है, एक उपेंद्र त्रिवेदी है और एक अरविंद त्रिवेदी है। ये भाई भाई हैं, दोनों भाई है। अच्छा, उनके बारे में कुछ ऐसा बताइए कि आप तो उनके गांव के रहने वाले हैं। जी, कभी उनको मतलब आते हुए जाते हुए देखा? देखा, मुलाकात हुई कभी? मुलाकात होती थी, सामने उसका खेत है। हाँ, सामने, जस्ट सामने। हाँ, सामने उसका खेत है। तो मतलब क्या बातें हुई ऐसी कुछ उनके बारे में बताइए। बस वैसे ही वो रंग भूमि कलाकार थे। हाँ, जब भी आते थे तो कुछ बात करते थे, जैसे रावण का किरदार निभाते, कहते हैं कि अगर राम नर है हाँ तो आज रावण की अंत निश्चित है। तो ऐसे करके डायलॉग मारते एकदम भयानक, रावण का विकराल रूप, ऐसा लगा कि गाँव में भी ऐसा लगा। हाँ, नहीं मतलब नहीं, एक सिंपल आदमी थे। हाँ, बहुत सिंपल। अच्छा, बहुत सिंपल। हाँ, बिल्कुल सिंपल, ऐसे नॉर्मल मिल, बिल्कुल नॉर्मल। कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो, बस। अच्छा, ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा, कोई ऐसी वाक्य बताइए जो आपके साथ उन्होंने गुजारी हो, बिताई हो, ऐसा हो। कभी कभार जैसे मान लो यहाँ आते तो आपकी दुकान पे यहाँ पे आते थे? हाँ, ये खड़े रहते थे, पूछते थे भाई कैसा है, हो क्या कर रहे हो, बराबर। तो सामने खेत था, उसका मुख खोली रहता है, कुछ फ्रूट रहता था, वो उसको खेत वाले को बोल के उसको खाना खाते थे इधर। अच्छा, मुखफली मुखफली खेत पे। हाँ, अच्छा, अभी उनका खेत जो है वो कौन करता है उनका खेत? तो उसका आदमी करता है। अच्छा, इस घर पे कोई आता जाता है? हाँ, अभी उसका लड़का आके गया, उसकी वाइफ आके गई, जो उपेंद्र त्रिवेदी है उसका। इस वाले मकान पे? इस मकान पे। अच्छा, होली दीपावली में आते हैं? हाँ, शिवरात्रि भी आते हैं। शिवरात्रि इस दीपावली में आए थे? दीपावली नहीं, दीपावली में इसके पहले आके गए। इसके पहले वाली दीपावली में आके गए? नहीं, इसके ये दीपावली के पहले हफ्ते पहले आके गए। अच्छा, हफ्ते पहले आके गए। रामायण आपने देखी? हाँ। तो कैसा लगा उनका रूप? बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा। अच्छा, गाँव के लोग या आप मतलब कैसे उनके बारे में देखते? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये वीडियो अगर उनकी फैमिली तक पहुंचता है? हाँ, आप तो उनके बगल में। हाँ, वो तो जानते ही, देखते ही है और पूछते हैं क्या क्या इधर शूटिंग वाले आए थे, वो तो मुंबई में भी देखते हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहो? क्या बहुत ही अच्छा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वो गुजराती पिक्चर भी उसने इधर उतारा था। अच्छा, दादा ने वाली दिखरी। हाँ, यह गाँव का शूटिंग है पूरे पूरा। कौन सी फिल्म थी गुजराती? वो दादा ने वाली दिखरी। अच्छा, दादा ने वाली दिखरी। इधर से कभी रावण के गेटअप में गांव में निकले का? हाँ, निकले का नहीं, ऐसे नहीं, सिंपल ही, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। वो तो राम के भक्त थे, राम के भक्त थे। अच्छा, मतलब जैसे अंकल जी रामायण के अंदर में हनुमान भक्त, राम भक्त और हनुमान भक्त थे वो। अच्छा, बहुत बड़े। बहुत अच्छा, ये जो मंदिर मैंने भी देखा था बीच में, यहाँ पूजा वगैरह भी? हाँ, करते थे, पहले करते थे, बहुत ज्यादा रामनवमी रहता था तभी आते थे दोनों भाई। अच्छा, इस गांव में आखिरी बार मतलब कब आए हो? कितने दिन हो? बस दो। हाँ, नहीं, कोरोना पहला था, वो अब थे गया था ना। अच्छा, इन पे लाया था। अच्छा, कोविड के पहले आए थे? हाँ, कोविड के पहले आए थे। वो उम्र हो गई थी। अच्छा, तो चल नहीं सकते थे, कोई पैदल इसको लेके हाथ में लेकर। अच्छा, तो लेकिन आए थे जरूर गांव? जरूर आए थे। उनका जो अंतिम संस्कार वगैरह सारा मुंबई? वो बम्बई में हुआ था। अच्छा, जिस दिन उनकी डेथ हुई
कैसा लगा गांव वालों को? दुख तो रहेगा नहीं, इधर इधर किया हो तो बहुत पब्लिक आती। हाँ, बहुत पब्लिक आती। वो बम्बई में किया था उस टाइम, और कोविड का टाइम था उस टाइम। इस वजह से और नहीं। हाँ, पब्लिक वहाँ भी पहुँच जाती। हाँ, पहुँच जाते न। सही है। अरविंद त्रिवेदी और उपेंद्र त्रिवेदी जी का घर जिसपे लिखा हुआ है लंकेश, यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा हुआ फोटो के सामने लंकेश, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। अंकल जी ये यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है मोटा मोटा? शारदा 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 घर का नाम है ना? इस घर का नाम शारदा है, देख रहे हो दोस्तों। और यही है दोस्तों नया घर, जो कि बेहद ही खूबसूरत और छोटा सा मकान एकदम से अच्छा था। यहाँ पे शारदा लिखा हुआ है और म्यूजिक के तो लोगो बने हुए हैं, ये देख रहे हो म्यूजिक टाइप के। और काफ़ी सुपरहिट घर है दोस्तों, मस्त लग रहा है। और इधर खाली है जगह, उस साइड पर भी घर है, लेकिन ये घर जो है ना अलग ही दिख रहा है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया अरविंद द्विवेदी जी का पुराना घर, जो कि 1988 में बना था। और ये नया घर है, यहाँ पे देख रहे हो फोटो वगैरह भी लगी, मैंने सारा कुछ दिखाया, गांव वालों से भी मिले, काफ़ी बेहद ही खूबसूरत लगा। लेकिन लॉकडाउन में 2021 में उनकी डेथ हो गई थी। एक ऐसा किरदार, वो तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन वो किरदार सदियों नहीं युगों युगों तक अमर रहेगा। क्योंकि जैसे हम लोग अपन रामायण देखते ना, तो ऐसा लगता है कि नकली कुछ नहीं है उसमें, ऐसा लगता है कि कुदरत का वरदान है वो, कुदरत की एक ऐसी निर्माण है वो, कि वो ऐसी रामायण लगती है बिल्कुल असली जैसी। तो उसके मेन और मुख्य कलाकार रावण उर्फ अरविंद त्रिवेदी जी का गाँव और घर मैंने आपको दिखाया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप अगर क्षेत्रीय हैं गुजराती हैं कमेंट ज़रूर कर देना, गुजराती में लिखना जय श्री राम, मैं समझ जाऊँगा कि गुजरात के भाई लोग हमें प्यार से लिख रहे हैं जय श्री राम। तो इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त, मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।